गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो प्रीवियस क्लास में ही मैंने इसका आपको हिंट दिया था कि बेटा अगर हमारी वाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म में से पास होकर के जाती है तो ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर हमारी जो वाइट लाइट है वो डियर स्टूडेंट्स कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है बेटा? 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। कितने कलर्स में स्प्लिट होती है बेटा? 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड विद इट्स बेस। तो इट मींस वी कैन से दैट दिस इज ए बेस प्रिज्म पी क्यू एंड आर। और डियर स्टूडेंट्स इस फिनोमिना को हमने कॉल करा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि डियर स्टूडेंट्स अगर मान लो मैं यहाँ पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म को अलोंग साइड अगर मैं इन्वर्टेड प्रिज्म अगर प्लेस करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि जो ये जो रेड और जो वॉयलेट जो लाइट है इनको डियर स्टूडेंट्स ये कन्वर्ज करेगा। इट मीन्स उनको कलेक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पर। और जब लाइट इस फेस से जब इमर्ज होगी तो अगेन में क्या प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स? वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कल बता दिया था बेटा कि ये वाले जो इस सरफेस से होने वाला रिफ्रैक्शन कैसा होता है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट है। इट मींस अगर ये सरफेस अगर लाइट को डिस्पर्स करेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो रिफ्रैक्शन जो सरफेस है ये उनको क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? कम्बाइन करेगा। क्या करेगा बेटा? कम्बाइन। अगर इस वाले सरफेस से अगर कलर्स इमर्ज होंगे तो डियर स्टूडेंट्स इस वाले साइड से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जो कलर्स हैं वो ईच जो कलर्स हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर अगेन कम्बाइन होकर के वो हमें क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स? वाइट लाइट गिव करेंगे। ठीक है, तो आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की रेनबो। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, 12th में भी ये आप लोगों का पूछा जाता है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। मान लेते हैं कि बेटा ये एक इंटरफेस है दो मीडियम का एक्स वाई, और ये वाला कौन सा मीडियम है डियर स्टूडेंट्स? ये वाला है बेटा हमारे पास में डेंसर मीडियम है। कौन सा है? डेंसर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम तो पता होगा डियर स्टूडेंट्स, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? रिड्यूस होती है। और ये वाला कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम के अंदर रखा हुआ है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो जो डेंसर मीडियम के अंदर प्लेस्ड है, और ये एक्स वाई इन दोनों मीडियम का इंटरफेस है, हम इसको बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। ठीक है बेटा, क्योंकि पेयर ऑफ मीडियम के लिए ही रिफ्रैक्शन अकर करता है बेटा। मान लो इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट निकलती है इस तरीके से बेटा, अगर ये रे ऑफ लाइट डियर स्टूडेंट्स अगर नॉर्मली फॉल हो रही है तो आप लोगों को बताया था कि जो रे ऑफ लाइट किसी पेयर ऑफ बाउंड्री पर, किसी पेयर ऑफ टू मीडियम की बाउंड्री पर अगर नॉर्मली फॉल होती है तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता, तो ये लाइट सीधी जाएगी। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट इससे इस तरीके से निकल रही है, मतलब ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट हो रही है इस एक्स वाई इंटरफेस पर, तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली इस वाले पॉइंट से क्या होगा? रिफ्रैक्शन अकर करेगा। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले फर्स्टली मैं क्या डालूंगा बेटा? एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। और लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेडर जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो इस एंगल को मैंने क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट लाइट मेक कर रही है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, नॉर्मल के साथ का एंगल कौन सा होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी रे ऑफ लाइट डियर स्टूडेंट्स मैंने निकाली, ठीक है, थर्ड रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ से इंसिडेंट करी, इस पर मैंने नॉर्मल डाला। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने अदर एंगल से मैंने लाइट को इंसिडेंट करा I2 से, बट जो I1 जो है वो ग्रेटर देन किससे बेटा? I2 से है। तो लाइट रिफ्रैक्ट हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हुई,
बट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज करता है ना, तो डियर स्टूडेंट जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है ना वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टू इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन बेटा, ठीक है। मतलब ये एंगल ज़्यादा है इस एंगल से, तो उसका मतलब ये एंगल इस एंगल से ज़्यादा होगा। अगर ऐसे ही इन सच ए वे में अगर मैं कोई अनदर रे ऑफ लाइट और निकालूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, मैंने एक ऐसे एंगल से लाइट को इंसिडेंट करा है डियर स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जो हमारी जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है ना डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टेड जो लाइट है वो नॉर्मल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अगर आर 90 डिग्री है, किस एंगल पर है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है, तो डियर स्टूडेंट्स इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कॉल करते हैं फिजिक्स में, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई रे ऑफ लाइट ऐसी इंसिडेंट करता हूँ, मैंने मान लीजिए एक फिफ्थ रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ से निकाली, अब वो जो रे ऑफ जो लाइट है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, उसमें जो बनने वाला जो एंगल है ना, बनने वाला जो एंगल है, इसको मैंने कौन सा एंगल बोला है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इज क्रिटिकल एंगल, इसको मैंने दिखा दिया बेटा आई सी बोला क्रिटिकल एंगल। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले एंगल से अगर ग्रेटर देन होगा, इस क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा होगा, तो हमारी जो रिफ्रैक्टर जो लाइट पहले नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रही थी, अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो लाइट है बेटा उसी सेम मीडियम में क्या हो जाएगी बेटा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में एंटर कर जाएगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स की, चेंज हो जाएगी। उसी चीज़ को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेनबो को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, मिराज है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है जो हम 12th क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे बेटा, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये सब किसकी एप्लीकेशंस हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। रेनबो में भी ये फिनोमिना अकर करता है। एक बार मैं एक मिनट और बता देता हूँ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम के अंदर रखा हुआ है, कोई रे ऑफ लाइट निकाली जो नॉर्मली फॉल हुई तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन के वो स्ट्रेट पास हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट निकाली, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है नॉर्मल के साथ में आई वन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा आर वन हो गया, टू वार्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, एक ऐसी वैल्यू एंगल करते करते इन सच ए वे में क्या हुआ कि एक ऐसी वैल्यू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस की जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा 90 डिग्री हो गया, उस वाले एंगल को मैंने क्या बोला क्रिटिकल एंगल बोला। एक अनदर रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करी इस इंटरफेस पर, एक्स वाई इंटरफेस पर, तो वो जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है और वो रिफ्रैक्ट लाइट अलोंग इस बाउंड्री के हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी चीज़ को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटेड होता है, 12th में हम करेंगे, यहाँ नहीं करना, हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल एंगल को। दूसरी चीज़ बेटा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन कौन से मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम के अंदर प्लेस्ड होना चाहिए, और लाइट शुड बी पास, या हमें कह सकते हैं लाइट शुड बी पास्ड थ्रू ए डेंसर मीडियम टू क्या डियर स्टूडेंट्स, रेरर मीडियम। अब आ जाता हूँ मैं रेनबो पर, ठीक है। तो रेनबो एक्चुअली में है क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैंने मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट्स मैंने कंसीडर करी है कि, ठीक है, ऑलमोस्ट ये स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स होती है,
ठीक है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स वन है, एस नहीं आएगा। अगर मान लो मैं इस पर कोई व्हाइट लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूँ, मैंने इस पर व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करी, तो ये यहाँ पर क्या है, अगर ये लाइट सन से आ रही है तो ये वैक्यूम में ट्रेवल करेगी, ये कह सकते हैं कि रिटर्न मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एयर में से ट्रेवल कर रही है, ठीक है बेटा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी, तो ये है बेटा हमारे पास में रिटर्न मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रिटर्न मीडियम। ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू किसके, वैक्यूम और एयर के, इसलिए वाटर एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। क्या है? डेंसर मीडियम। तो यहाँ से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वाइट जो लाइट है, कौन सी लाइट है ये, वाइट लाइट, डब्लू लाइट मैंने बोला। तो ये जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स जो होती है ना डियर स्टूडेंट, जो हमारे एटमोसफेयर के अंदर सस्पेंड होती हैं, जब क्या होता है, वेन सन इज साइन एंड रेनिंग एट दैट टाइम, मतलब सन अगर मान लो ये मान लीजिए मैं स्काई है, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट से अगर बारिश हो रही है, रेनड्रॉप्स अगर फॉल हो रही हैं, और इधर वाला पार्ट्स अगर बेटा डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, सन साइन कर रहा है ये वाला पार्ट्स, और अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है और उसकी बैक कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, अगर उसकी बैक टूवार्ड्स द किसकी तरफ है, सन की तरफ है, तो ऑब्जर्वर के इन फ्रंट में क्या होता है, एक आर्क बनती है डियर स्टूडेंट्स। कितने कलर्स की? 7 कलर्स की बनती है, ठीक है। वही मैं आप लोगों को अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें कि जो रेनबो जो है वो किस कंडीशन पर अपीयरिंग होता है, तो ध्यान रखें, when one part of the sky is sign and another part of the sky opposite, but sun के वो क्या होगा, वो part opposite होगा, क्या होगा, opposite होगा, जहां से क्या होगी बेटा, rainfall होगी, और observe in such a way में होगा कि उसकी जो back है वो towards the sun होगी और raining in front होगी, तो क्या होगा, 7 color की arc बनेगी, एक display होगी, spectacular, मतलब 7 कलर समय डिस्प्ले होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेनबो बोलते हैं। अब क्या सर, वाटर ड्रॉपलेट्स से क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा ये टिनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो एक्ट एज ए ग्लास प्रिज्म। अब तो समझ में आया होगा, अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि बेटा मैंने वाइट लाइट इंसिडेंट करी, तो इस वाले पॉइंट से इसका रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ से क्या होगा बेटा, डिस्पर्जन टेक प्लेस करेगा, क्या टेक प्लेस करेगा, डिस्पर्जन, मतलब इस तरीके से हमें ये कौन सा टॉप वाला कलर कौन सा होता बेटा, रेड, और ये वाला कलर कौन सा होगा बेटा डियर स्टूडेंट्स, वॉयलेट है, ठीक है। तो ये जो कलर जो फॉल जो होते हैं ना, जब लाइट इस वाले पॉइंट से जब डिस्पर्ज होती है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होता है कि जब ये लाइट जब फॉल करती है, जब ये कलर इस पॉइंट पर जब फॉल करते हैं ना, तो इस वाले पॉइंट पर TIR टेक प्लेस करता, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पर देखो क्रिटिकल एंगल, आप सोचते हैं सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कैसे ग्रेटर देने, ये कैलकुलेटेड है, ये 12th क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से TIR टेक प्लेस करेगा, तो यहाँ से जब TIR टेक प्लेस करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में यहाँ से जब TIR टेक प्लेस होगा, तो ये कलर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, ये वॉयलेट यहाँ इधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रेड हो गया, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास में, ये रेड है और ये क्या है, वॉयलेट, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये रेड हो गया और ये क्या हो गया बेटा हमारा, वॉयलेट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोबारा से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, तो यहाँ से जब दोबारा से रिफ्रैक्शन जब टेक प्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये कलर्स इमर्ज करेंगे बेटा, इमर्ज हो जाएंगे, रिफ्रैक्ट हो करके इमर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये रेड और ये क्या बेटा, वॉयलेट। अब सोच रहे हैं कि सर हमारे पास में अदर कलर्स कहाँ गए, तो अदर कलर्स इसी के साथ में इन्हीं के बीच में कंबाइन करेंगे, इस तरीके से हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, वरना NCERT बुक में दो ही कलर दिखा रखे हैं,
तो आप दो कलर दिखा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें हम ईच कलर को सेपरेटली दिखाना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता थोड़ा सा। आप इस तरीके से यहाँ से दिखा सकते हो कलर्स, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट कर सकते हो, ये यहाँ से इस तरीके से उसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा, तो यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्या फॉर्म होगी बेटा, एक सर्कुलर आर्क फॉर्म होगी सेवन कलर्स की, जिसमें वॉयलेट कहाँ होगा नीचे होगा और रेड कहाँ होगा डियर स्टूडेंट्स टॉप पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो रेनबो जो फॉर्म जो होता है ना, इस रेनबो को बोला जाता है प्राइमरी रेनबो, क्योंकि रेनबो भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम डिस्कस ओनली प्राइमरी रेनबो के बारे में करेंगे कि प्राइमरी रेनबो में क्या है, क्या होगा बेटा। एक तो क्या होगा प्राइमरी रेनबो की कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि वन इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा होगा बेटा टू रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। तो ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में भी दे देगा, आप लोगों से पूछेगा कौन कौन से फिनोमिना कर करते हैं इसके अंदर। तो टू रिफ्रैक्शन है, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और दूसरा है डियर स्टूडेंट्स कौन सा बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक प्लेस करेगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तीन फिनोमिना टेक प्लेस करते हैं, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, टू रिफ्रैक्शन एंड वन इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ड्यू टू विच द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म, इन विच द रेड कलर कहाँ होगा टॉप पर होगा और वॉयलेट कलर कहाँ होगा बेटा बॉटम पर होगा। तो ये जो सेवन कलर की जो आर्क जो फॉर्म जो होती है ना, ये किसकी वजह से होती है डियर स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन की वजह से होती है, और टू रिफ्रैक्शन होते हैं और वन इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना, हालांकि अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बनेंगे कि जो हमारा जो रेनबो है वो सर्कुलर आर्क के अंदर ही क्यों फॉर्म होता है, तो इसे हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो ध्यान रखना रेनबो क्या है, रेनबो इज द आर्क ऑफ द सेवन कलर्स, व्हेन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज टेक प्लेस थ्रू द टिनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंड इन द एटमोस्फेयर, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। पहली कंडीशन क्या होगा, सन इज शाइनिंग होना चाहिए, रेनिंग होनी चाहिए, और ये जो टाइम जो होगा वो सेम टाइम पर अकर करनी चाहिए बेटा, ठीक है। क्यों होता है वाटर ड्रॉपलेट से, क्यों होता है, क्योंकि हर किसी वाटर ड्रॉपलेट से नहीं होता, ये भी याद रखना, ठीक है। वहां पर जरूरी है कि क्या होना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्रेटर देन होना किससे, क्रिटिकल एंगल से, इस पॉइंट से, तभी रेनबो फॉर्म होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखना इस चीज़ के, हर ड्रॉपलेट्स में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, बट लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो जिसमें क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से होता है, इसलिए लाइट ये क्या हो जाती है बेटा हमारी, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम मीडियम में, और इस वाले पॉइंट से क्या हो जाता है रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है, लाइट कलर्स हमारे क्या हो जाते हैं इमर्ज होते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, थैंक यू बेटा।